हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यावर साहब की मम्मा से बात हो सकती है? जी, आप कौन? मैं उनकी रिलेटिव बात कर रही हूँ। सुना था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की है। जी, मैं बात करवाती हूँ। बेगम साहिबा, कॉल है। जाओ। हेलो, सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं फायजा की भाभी किरण बात कर रही हूँ। ओ जी, कहिए, कैसे फोन किया? वो यावर भाई ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि फोन करके आपकी तबीयत का ही पूछ लूँ। आप मेहंदी पर नहीं आई थी ना, और फिर मैंने सोचा ये भी पूछ लूँ कि आप बारात के इवेंट पर तो आएंगी ना। शुक्र है, हमारी बहू के घर से भी किसी को हमारी खैरियत पूछने का ख्याल तो आया। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप कोई गैर थोड़ी हैं, आप तो हमारी अपनी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद फोन करके आपको पूछ लूं। बहुत ही खानदानी और शरीफ घर की लगती है। रिश्तेदारी निभाना आती है तुम, वरना शमशाद बेगम तो बेटी को ब्याह कर भूल ही गई। अरे, जुहेब की शादी का इनविटेशन तो हमें ऐसे भेजा है जैसे कोई एहसान किया हो हम पर। कार्ड्स तो दोस्तों को भेजे जाते हैं, और हमारी यहाँ ब्याही बेटियों के ससुराल को बहुत अहमियत दी जाती है, और खास करके दामाद को। लेकिन यहाँ गैरों की तरह हमें कार्ड भिजवा दिया, और दामाद से तो कोई मशवरा लेना मुनासिब ही नहीं समझा उन्होंने। ये क्या कह रही हैं आप? आंटी तो कह रही थी कि वो अपने हाथों से आपको दावत देकर आई हैं। अरे कहाँ बेटा, ड्राइवर के साथ कार्ड भिजवा दिया था उन्होंने। अरे ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। खैर आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं खुद जरबाब से इस बारे में बात करूंगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।